तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:45 के करीब टाइम हो रहा है। और आज हम सब जल्दी ही उठ गए हैं, तो किशु भी मेरे साथ ही उठ गया था। तो मैं उठी थी 5:15 के करीब, और यहाँ पर मोक्ष भी उठ चुका है। तो मोक्ष उठा है 5:30, तो 5:45 वो उठ चुका है, मतलब 5:45 से पहले वो उठ चुका है। तो 5:45 तो मैं ही आई हूँ सब्जियाँ वगैरह काटने के लिए। और आज हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि मोक्ष के पापा जी को जाना था प्लॉट पर कुछ काम के लिए, लेकिन किसी कारण वो जा नहीं पाए। और पापा जी तो चले गए हैं, तो मैंने उनको चाय वगैरह बना कर दी है। मैं मॉर्निंग में डेली चाय बनाती हूँ, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं तो उनके लिए चाय बनाकर मैंने उनको दे दी है। तो मोक्ष के पापा जी तो नहीं गए हैं, तो यहाँ पर इसलिए सब जल्दी उठ चुके हैं। तो मैं करने लगी हूँ फिर अपने लिए, मतलब अपने काम मैंने शुरू कर दिया। मैंने आज क्लीनिंग से स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी, तो मैं आज आराम से बैठकर सब्जियां काट रही थी। बाहर बैठकर तो अच्छा लगता है बाहर का मौसम देखना, सुबह के टाइम मॉर्निंग में तो काफ़ी ठंडी सी हवा आती है, तो अच्छा लगता है बाहर की साइड बैठना मुझे मॉर्निंग में। तो मैं वहाँ पर बैठकर काट रही थी आलू और गोभी को। तो मैं आलू गोभी मटर की मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, तो काफ़ी दिनों बाद बन रही है आज, क्योंकि विंटर में तो बनती रहती है गोभी और मटर, लेकिन मैंने मतलब बनाई थी फरवरी के टाइम पर, फरवरी के महीने में बनाई थी मैंने, लेकिन मैं बना रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो ये आज टेस्टी लगने वाली है, क्योंकि कभी मतलब ऐसा होता है कि जब भी हम किसी सब्ज़ी को बार बार बनाते हैं तो उसे खाते खाते बोर हो जाते हैं, लेकिन जब उसको काफ़ी दिनों बाद बनाते हैं तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ सब्ज़ी को बनाने की तैयारी। तो मटर को तो मैंने पहले से ही छील कर रखा हुआ था। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं मटर वगैरह या कोई भी सब्ज़ी इस तरह की होती है तो मैं उसको छील कर रख लेती हूँ। तो मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ था छील कर, तो फिर कभी भी बना लो। और मटर को छीलने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और मटर लेकर आए थे हम लोग, तो फिर मैंने मटर की खिचड़ी भी बनाई थी। तो आलू मटर की खिचड़ी भी काफ़ी टेस्टी लगती है, तो कुछ मटर मैंने इसमें रख ली थी कि गोभी में डाल लेंगे तो अच्छी लगती है गोभी में डालकर मटर को। और यहाँ पर मैं साथ के साथ ही काटती हूँ प्याज और टमाटर। तो प्याज को मैंने डाल दिया है कुकर में, तो वो भुन चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर को ऐड किया है, तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें डेली के मसाले जो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं, वही हल्दी नमक मिर्च, तो वही सब मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें पानी, तो ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से पक जाएगी पानी के साथ, और मसाले भी पक जाएंगे, तो मसाले भी अच्छा सा कलर दे देते हैं जब उनको अच्छे तरीके से पकाते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, तो मैं बाद में भी ऐड कर देती हूँ और पहले भी ऐड कर देती हूँ। अभी तो मैंने इसको लगा दिया है ढक्कन ऊपर से ही, तो ये मसाला अच्छे तरीके से पक जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर आटा छान लूँगी। तो अभी मैं देखने लगी हूँ मसालों को, तो मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। मैं डाल दूँगी इसमें सब्ज़ियाँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ गोभी, फिर मैं डालूँगी मटर, और फिर डालूँगी सबसे बाद में आलू। तो मैं जब भी सब्ज़ियाँ काटती हूँ तो मैं सब्ज़ियों को पहले ऐड करती हूँ ग्रेवी के अंदर, तो ग्रेवी में अच्छे तरीके से सब्ज़ियाँ लग जाती हैं, मतलब ग्रेवी अच्छे तरीके से लग जाती है सब्ज़ियों पर। तो हर किसी का तरीका होता है, तो मैं मतलब मुझे आदत है मैं सब्ज़ियाँ पहले ऐड करती हूँ। और यहाँ पर बस मैं इसको कर दूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, तो मैं लगाऊँगी इसमें 1 सीटी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, तो हर सब्ज़ी पर ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से लग चुकी है। अभी मैं लगा दूँगी इसका ढक्कन, तो 1 सीटी मैं इसमें लगाऊँगी। तो मैं हमेशा गोभी में 1 सीटी लगाती हूँ, तो उससे गोभी हमारी घुलती नहीं है, मतलब ज़्यादा ही घुल सी जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। और 1 सीटी मैं लगाती हूँ तो उसके बाद मैं भाप निकाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी हमारी बन जाती है, जैसे हम कढ़ाई में बना देते हैं। लेकिन कढ़ाई में हम जब आलू गोभी को बनाते हैं तो उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम, लेकिन गोभी में मतलब कुकर में बनाते हैं गोभी को तो फिर 1 सीटी आती है बस इसमें, तो ये जल्दी ही बन जाती है और सब्ज़ी भी हमारी टेस्टी लगती है बिल्कुल कढ़ाई में बनाते हैं जैसे। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ ही आटा भी बना लिया है, तो बस मैं बनाऊँगी अब पराँठे। तो रोटी नहीं बनाऊँगी मैं आज, रोटी का मन नहीं है क्योंकि आज बनी है काफ़ी दिनों बाद गोभी मटर की सब्ज़ी, तो इसके साथ पूरियाँ खाने का मन था, लेकिन मोक्ष के पापा जी जाते हैं जिम तो फिर मना कर देते हैं, तो फिर वो मतलब मन नहीं करता है कि किसी के लिए कुछ बनाओ किसी के लिए कुछ बनाओ, तो फिर इसलिए बस मैं यहाँ पर पराँठे बना दूँगी। तो मोक्ष भी कह रहा है कि मम्मा पूरी बनाओ, तो मैं कह रही हूँ मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा पराँठे बना देते हैं।
ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, ब्रेकफास्ट बनकर हो गया रेडी। तो मैं यहाँ पर प्लेट लगा रही हूँ मोक्ष की और मोक्ष के पापा जी की। तो सब नहा लिए हैं और मतलब किचन भी, और इसी बीच में मैं रूम वगैरह भी सही कर रही हूँ नाश्ता बनाने के बाद। और यहाँ पर अभी मैं बर्तन को समेट रही हूँ, किचन को मैं क्लीन कर दूँगी। और आप लोग देख सकते हैं तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल मतलब अच्छी बनी है, खिली खिली सी। तो घुली हुई मतलब घुल जाती है गोभी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो वो ज़्यादा सीटी आने के कारण होता है, अगर एक सीटी उसमें लगाते हैं तो उसकी जो भाप होती है तो उसको निकाल दो तो वो अच्छे से बनती है, जैसे हम कढ़ाई में बनाते हैं। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ पर क्लीनिंग। तो मेरा सारा काम हो चुका है 7 बजे तक किचन का, तो किचन मैंने समेट ली है। और दोनों बच्चे हैं अभी बाहर, तो नाश्ता वगैरह करके तो मोक्ष बाहर खेलने के लिए चला गया बड़ी मम्मी के पास अपनी, तो वो वहाँ पर है सामने। और मैं लगाने लगी हूँ अभी झाड़ू, तो मैं लगा दूँगी फिर पोछा। तो आज मेरा क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया 7:30 बजे ही, तो 7:30 बजे का टाइम हो रहा है 7:30। और यहाँ पर मोक्ष के पापा जी अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट बाहर वाले रूम में ही, तो इसलिए मैंने फ़ैन को बंद नहीं किया है। तो मैं अपना काम भी निपटा लूँगी, तो बड़ी खुशी होती है जब हमारा ही मतलब क्लीनिंग वगैरह सब मॉर्निंग में ही हो जाती है, तो सभी को होती होगी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा सभी काम मतलब फिनिश होता है जल्दी। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी लगाई हुई है बल्कि, तो मशीन का काम तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आज बेड की चादर को भी मतलब मॉर्निंग में ही अभी ही मैंने उसको चेंज किया है। तो उसके बाद मैं करूँगी फिर कुछ तैयारियाँ, तो आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा वो मैं किस लिए कर रही हूँ। और मुझे कहीं भी जाना हो या कुछ भी तैयारियाँ करनी हो तो अब आप लोगों से तो क्या छिपाना, तो मेरी हर वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा बस यहाँ पर रह गया पोछा लगाने का काम, तो सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर दिया है। तो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैं मतलब कहीं कहीं पर कैमरा ऑन करना भी भूल गई थी। और थोड़े मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कुछ मतलब कहीं जाने के लिए तैयारियाँ करनी होती है, तो हम सोचते हैं कि जल्दी से हमारा क्लीनिंग का काम हो जाए तो फिर हम बाकी के काम करें। तो आज इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ सब। और बच्चों को भी मतलब फिर मैं किशु को लेकर आऊँगी, किशु को नहीं नहलाया है मैंने, तो किशु अभी बाहर है, तो इस बीच सो भी चुका है दोबारा से। और वो 5:30 बजे उठ गया था मेरे साथ ही, 5:15 बजे के करीब ही उठ गया था वो मेरे साथ। तो यहाँ पर फिर मैं लगा रही हूँ अभी पोछा, तो बस पोछा लगाने के बाद मशीन को करूँगी खाली। तो मिलूँगी मैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स पढ़ना भी मुझे आप लोगों के अच्छे लगता है। और जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए। तो मिलेंगे अब आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और थैंक यू आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे लिए टाइम निकालते हैं। तो बाय बाय।